हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एडमिशन के टाइम पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट आप पहले ही प्रिपेयर करके रख लीजिए। देखिए, एडमिशन के टाइम पे ये 12 डॉक्यूमेंट्स ऐसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स इसमें से नहीं रहा आपके पास तो हो सके आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। इसलिए आप ये सभी 12 डॉक्यूमेंट्स को पहले ही प्रिपेयर करके रख लीजिए, ठीक है। और आपको यदि इस डॉक्यूमेंट का लिस्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे उदित एकेडमी सर्च कीजिए, देन वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे मैं आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट लिस्ट का पीडीएफ शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं एडमिशन के वक्त, ठीक है। चलिए हम लोग एक साइड से सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, और आपको हर एक बात बता देते हैं कि वो बनेगा कहाँ से, अगर कोई चीज़ बनाने वाली है तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10th and 12th का मार्कशीट। खास करके यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई वाले बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं, तो वो सभी ग्रुप ई वाले बच्चे का 10th और 12th दोनों का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। 10th क्लास और 12th क्लास का दोनों का मार्कशीट लगेगा ओरिजिनल। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कोई भी वहाँ पर फोटो स्टेट नहीं लगेगा। आप वहाँ पर जमा करने से पहले डॉक्यूमेंट सारे जमा हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले आप जो भी ओरिजिनल कॉपी वहां लेके जाएंगे उससे पहले आप 2-3 फोटो स्टेट हर एक डॉक्यूमेंट का करा के खुद के पास रख लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात है 10th and 12th का मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए। दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मान लीजिए कि आप इस बार 12th कंप्लीट किए हैं, किस बार, इसी बार 12th कंप्लीट किए हैं 2022 में, ठीक है। 2022 में 12th कंप्लीट किए हैं, तो जब आप कॉलेज छोड़ेंगे, जहां से भी कॉलेज छोड़ेंगे वहां से आपको एक टीसी देगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा, जो बच्चों को अभी तक नहीं मिला है, इस बच्चे का 12th वाले बच्चे का जिनका कि इस बार फिलहाल में रिजल्ट आया है, वो बच्चे को कॉलेज से टीसी मिलेगा। अगर नहीं भी मिला है अभी तक में, तो जब आपका एडमिशन का टाइम आएगा तो आप कॉलेज जाओगे और उनको बोलोगे कि हमें टीसी चाहिए क्योंकि हमें दूसरी जगह एडमिशन लेना है, हमारा रिजल्ट हुआ है, तो वो टीसी आपको बनाकर दे देंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। और जो बच्चे 1-2 साल पहले से क्या कहते हैं इंटर कर चुके हैं, तो उनको टीसी एक्चुअली मिल चुका होगा। या फिर जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 12th कर रहे होंगे, 12th कर लिए हैं, उसके बाद वो ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए होंगे और साथ ही साथ वो इस एग्जाम को भी दिए हैं, अगर इधर हो जाता है तो वो आपको उधर नाम कटाना पड़ेगा। जैसे कि ग्रेजुएशन में आप कहीं भी बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो जिस भी कॉलेज से आप बीएससी कर रहे हैं तो वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एडमिशन होगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आप जहां भी अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, यदि इंटर में है तो इंटर का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यदि आप ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन का ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगा, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। फिर इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये तीनों है जाति, आवासीय एंड आय प्रमाण पत्र। सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट होता है आय प्रमाण पत्र को लेकर के। देखिए, आय प्रमाण पत्र आपके पिछले 3 महीना मतलब 3 मंथ्स पुराना ही होना चाहिए, मतलब आपको इससे ज़्यादा पुराना है तो वो वैलिड नहीं होगा। कौन सा, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, अगर 3 महीने से ज़्यादा का पुराना है तो वो आपको नया बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है, तो आप कैफ़े जाइए, कहीं भी जहाँ पे कंप्यूटर से ऑनलाइन वगैरह वर्क होता है उनको बोलिए कि मेरा ऑनलाइन बना दीजिए, तो वो 30 रुपया लेते हैं, 30 रुपया चार्ज होता है इनकम सर्टिफिकेट बनाने का, वो आपको बना देंगे 8 से 10 दिन के अंदर आपके पास बन के रेडी हो जाएगा, फिर आप जाकर के कैफे में उसे निकलवा लेंगे। इस प्रकार से आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई भी अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी है, होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों थोड़ा पुराना भी होगा तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, इनकम सर्टिफिकेट आपका एकदम करंट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप ये तीनों 90 रुपीज लेता है कैफे वाला, ये आप तीनों एक साथ जाके बनवा लीजिए, फिर 8 से 10 दिन में तीनों के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक में हमने 5 डॉक्यूमेंट्स देख लिए। अब 6ठा डॉक्यूमेंट है, आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, जो आईडी प्रूफ आपने एग्जाम देते वक्त यूज किया है, ठीक है। तो आधार कार्ड ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वहाँ पे ओरिजिनल जमा नहीं होगा आधार कार्ड, लेकिन हाँ, वहाँ पे ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है जब आपके एडमिशन के टाइमिंग होगी, ठीक है। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, खास करके कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, जैसा कि फॉर्म में हम लोग भरे हैं क्या वही फ़ोटो लगेगा। देखिए, अगर जो फॉर्म में भरे हैं वही फ़ोटो आपके पास अवेलेबल है तो बेस्ट रहेगा, अगर नहीं भी है तो कोई खास इशू क्रिएट नहीं होता है,
कोई दिक्कत नहीं, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दूसरा भी खिंचवा के लगा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर वही फ़ोटो अवेलेबल हो जाए तो बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आपको पासपोर्ट साइज़ कम से कम 6 फ़ोटो लेके चलना है, यानी 6 से 10 फ़ोटो आप लेके जाएंगे, कितना 6 से 10 फ़ोटो लेके जाएंगे, इतना काम होता है। फिर एडमिट कार्ड विद इन्विजिलेटर साइन, जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे CBT का यानी UP पॉलिटेक्निक का, तो आपके एडमिट कार्ड पर जो इन्विजिलेटर है वो साइन किया होगा, फिर एडमिट कार्ड वो आपको वापस दे दिया होगा। तो ये जो एडमिट कार्ड है, साइन किया हुआ एडमिट कार्ड आपको चाहिए, वो दूसरा एडमिट कार्ड नहीं कि फिर से निकलवा लिए, नहीं, जो आप एग्जाम देने के लिए गए थे ना, तो देने टाइम जो इन्विजिलेटर आपके एडमिट कार्ड पे साइन किया है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो ओरिजिनल वहां पे जमा होगा, ठीक है। इसका एक और है कि अगर मान लीजिए किसी का खो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी दूसरे से अच्छे से साइन करवा लीजिए, मैनेज हो जाता है। यहां तक कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं काउंसलिंग कराने के लिए गया हुआ था वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो मेरा एडमिट कार्ड खो गया था, मतलब एडमिट कार्ड जो मैंने एग्जाम देकर आया था साइन वाला था मेरे पास, लेकिन पता नहीं कहाँ खो गया। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने किसी दूसरे से साइन करवा लिया था और उसे जमा कर दिया, उतना वहाँ पे गौर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है ओरिजिनल इन्विजिलेटर साइन किया हुआ एडमिट कार्ड तो सबसे बेस्ट रहेगा, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मेरे कॉलेज में हो सके इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, आपके कॉलेज में इग्नोर ना करे, आपके कॉलेज में आपको गौर कर ले कि नहीं तुम्हारा तो उसका साइन नहीं है। तो इस प्रकार से, क्योंकि उस टीचर को भी नहीं पता है ना कि जो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करेगा उसको क्या पता कि कौन था इन्विजिलेटर, समझ रहे ना। ये 8 डॉक्यूमेंट हो गए। फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, ये 4 डॉक्यूमेंट है। देखिए, ये रैंक कार्ड कब आएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट कब आएगा आप लोग के मन में डाउट होगा, तो देखिए अभी तक ऑफिशियली कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन हाँ एक अनुमानित तौर पे मेरे हिसाब से आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो 10 तारीख के इसी मंथ में 10 से 15 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में आ जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कैफ़े में जहाँ पे कि ऑनलाइन वाला काम होता होगा वहाँ से आप जाके रैंक कार्ड को क्या करवाएंगे, प्रिंट आउट करा के रख लेंगे, एक रैंक कार्ड वहाँ लगेगा। फिर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, क्या जब रैंक कार्ड आएगा ना, देखिए कुछ इस प्रकार से प्रोसेस चलता है कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आंसर किया आता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप रैंक कार्ड को डाउनलोड करते हैं, रैंक कार्ड का डाउनलोड करने के बाद आप क्या कराते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग आप करवाएंगे। तो काउंसलिंग कराने के बाद कुछ दिनों के बाद आपका सीट अलॉट किया जाता है कि आपको इस कॉलेज में, इस मतलब ब्रांच से, जैसे कि डी फार्म मिलेगा आपको इस कॉलेज में, तो इस कॉलेज में आपको डी फार्म मिला है, तो आप इसी को हम लोग सीट अलॉटमेंट कहते हैं। तो एक लेटर टाइप का बना होता है सीट अलॉटमेंट, जो कि आपको वहीं पे गूगल पर से अपना ID वगैरह डालने के बाद, email ID और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, या फिर एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको ये सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस सीट अलॉटमेंट लेटर को एक बार निकलवा लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको यही सीट अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ रहेगा आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, या फिर कौन से कॉलेज में आपका क्या हुआ है, सीट अलॉट हुआ है जहाँ पे आपको एडमिशन के लिए जाना है, ठीक है। ये 10 डॉक्यूमेंट तो कन्फर्म है कि आपको रहना ही चाहिए, ये 10 डॉक्यूमेंट। अब बचा 11वां डॉक्यूमेंट, हाफ डिफिट एक बनवाना है, जो कि आप लोगों के मन में होगा अब ये हाफ डिफिट क्या है, जिसको कि गैप सर्टिफिकेट कहते हैं। देखिए, जैसे कि कोई बच्चा है, उस बच्चे को इस गैप सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है जो इस बार ही 12th किया है, जो इस बार 2022 में 12th किया है, उसके लिए कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, वो आप इस 11वें सर्टिफिकेट को मतलब क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चे मान लीजिए 2020 में ही इंटर किए हैं, उसके बाद 21-22 कहीं और पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद अभी जाकर के उनका रिजल्ट हुआ, अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका 12th के बाद कितने साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया, कितने साल का गैप हो गया, 2 साल के बाद, क्योंकि उन्होंने 12th कब किया था, 2020 में, अब जाकर के उनको डी फार्म में एडमिशन लेना है। तो ये 2 साल का जो गैप हुआ, इसी के लिए एक हैप्पी डिपिट बनाया जाता है। तो हैप्पी डिपिट में कैसे बनेगा, तो आप नज़दीकी कोर्ट में जाइए, नज़दीकी कोर्ट यानी आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो न्यायालय होगा यानी कोर्ट होगा, वहाँ पर आप कोई भी वकील से मिलेंगे, ठीक है। वकील से मिलने के बाद आप बोलेंगे कि मेरा 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बना दीजिए, कि मैंने 2020 में इंटर किया और 2022 में मेरे को एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर 2019 में किया तो 3 साल का गैप सर्टिफिकेट बनेगा,
ठीक है, तो ये गैप सर्टिफिकेट वो अपने हिसाब से लिख करके एक हैप्पी डिपेट बना देता है और उस पर कोर्ट के नोटियरी का साइन मोहर लग जाता है, तो वो आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, और ये गैप सर्टिफिकेट जरूरी है, बच्चे भूल जाते हैं जिस कारण से, ऐसे अगर नहीं है तो आपके पास टाइम भी दिया जाता है गैप सर्टिफिकेट के लिए, कि अगर आपके पास नहीं है एडमिशन के लिए आप चले गए हैं तो आप 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप बनवा सकते हैं। ठीक है, इसको बनवाने में ज़्यादा नहीं 250 से 300 रुपया लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपया ले ले, मतलब उसके मन पर डिपेंड करेगा वो कितना लेना चाहता है। ठीक है, तो 250 से 400 रुपया के बीच लेगा, आपका एक गैप सर्टिफिकेट आपको बना करके दे देगा 2-3 घंटे के अंतर्गत में। ठीक है, अब 12वां नंबर डॉक्यूमेंट क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जो कि आप किसी भी जिला अस्पताल से बनवा लीजिए, यानी कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर से साइंड हो, मतलब कोई भी एक जिला अस्पताल है, जैसे कि कोई भी सदर अस्पताल है आपके एरिया में, तो वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर आपको बोलिए कि हमको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो एक चिट्ठा देगा, चिट्ठा पर आपका सब चीज़ चेक किया जाएगा, जैसे कि बीपी चेक होता है, यूरिन चेक होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, सीबीसी होता है, इस तरीके से सारा चीज़ होगा आपका। 1-2 दिन में आपको मेडिकल रिपोर्ट, हाइट होता है, वेट होता है, लेंथ होता है, पल्स होता है, बीपी होता है, सब चीज़ होता है, उसमें आपका सारा चीज़ नोट डाउन किया जाएगा, इस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट आपका रेडी हो जाएगा। जब रेडी हो जाएगा तो उस हॉस्पिटल का वहाँ पर क्या लग जाएगा, मोहर लग जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ के CMO जो होंगे, कम्युनिटी मेडिकल मतलब मेडिकल ऑफिसर होंगे, वो आप पे साइन कर देंगे, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका, समझ गए मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको 1 से 12 तक सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा, कि अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे बनेगा, कहाँ से आपको पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप 10 दिन के अंतर्गत, मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन बीच में आपके समय है, क्योंकि काउंसलिंग होगा, उसके 5-6 दिन के बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जब सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो फिर आपको डेट दे दिया जाएगा कि कब एडमिशन कराने जाना है। तो इसलिए आप ये 12 डॉक्यूमेंट्स को अपने पास प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि ये 12 डॉक्यूमेंट जरूरत हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि मार्कशीट के साथ, 10th 12th का मार्कशीट है ना, उसके साथ आप एडमिट कार्ड भी, 10th का भी ओरिजिनल एडमिट कार्ड और 12th का भी एडमिट कार्ड, ठीक है, मतलब 10th 12th का मार्कशीट प्लस एडमिट कार्ड, इस तरीके से आपको 10th 12th का दोनों चीज़, दो दो चीज़ लग जाएगा, फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लग जाएगा, और इनकम कैटेगरी एंड डोमिसाइल आप बनवा लीजिए, फिर आधार कार्ड होगा ही, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एडमिट कार्ड विद इन्वेजिलेटर साइन, अगर ये खो गया है तो इसका भी तो मैंने बता दिया कि क्या उपाय है। ठीक है, मन में ही रखना, इन्हें कि वहाँ पे बोल देना है कि मैंने दूसरे से साइन करवाया है, बोलना वोलना नहीं है, ऐसा कीजिए जाके उस सामने वाले को पता ना चले। ठीक है, और वैसा कोई खास बात नहीं, बस इतना है कि वो इसलिए होता है ना, ताकि आपने ही एग्ज़ाम दिया था ना, इसलिए चेक किया जाता है कि कहीं आपने ही दिया था कि या तो किसी दूसरे से तो एग्ज़ाम नहीं दिलवाया था, तो इसलिए ऐसा होता है, ताकि आपके पास वो प्रूफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया ये डॉक्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब यदि आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में जाते हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप सबसे बेस्ट ऐप है, क्योंकि ये फार्मेसी का सबसे नंबर वन चैनल, उदित फार्मेसी क्लासेस पे आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स एक एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा दिया जाता है यहाँ पे, ये सबसे बेस्ट क्लासेस है फार्मेसी के लिए। तो आपको अगर इनमें मतलब हमारे पेड क्लासेस से भी जुड़ना है आगे चल के, तो आप इस नंबर पे डिटेल में बात कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपका एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट कब आने वाला है, तो मेरे हिसाब से 10 तारीख के बाद ही आएगा, 10 से 15 के बीच में आ जाएगा, तो उतना आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोग तैयारी करते रहिए, जिस भी बच्चे ने CUET का फॉर्म भरा है वो आप CUET के लिए NCERT को पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए अब डिज़ाइन किया जा रहा है UP पॉलिटेक्निक और CUET को फोकस करते हुए 2023 के लिए, 2023 में जो इसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए अच्छे से फिजिक्स के टीचर भी लाए जा रहे हैं, केमिस्ट्री के भी टीचर्स लाए जा रहे हैं। ठीक है, और बायो मैं खुद पढ़ाऊंगा, और वहाँ पर से कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे बल्कि पूरा बुक पढ़ाया जाएगा। मैं तो पूरे NCERT के हर एक लाइन को पढ़ाऊंगा कि हर एक लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन बाहर जाता है। ठीक है, इस बार जैसा भी गया एग्ज़ाम, आप लोगों ने बहुत मेहनत करा था, हमने भी मेहनत करा था, अपना प्रयास करता है करना था, हम लोगों ने किया। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू ऑल।